ऐसे नहीं बेटा अंशिका, ऐसे, ठीक है? चलो इसे पूरा करके दिखाओ मुझे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? इस वक्त अंशिका पढ़ रही है और मैं उसे पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बच्चों को पढ़ाना तो बहुत टफ है। लेकिन इसे पढ़ाते पढ़ाते एक जानकारी जो मुझे मिली है, वो जानकारी आप सभी को आप सभी के पास होना बहुत ज़रूरी है। दरअसल वो हर उस अभिभावक के लिए जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी तो नहीं जा रहे हैं, अभी लॉकडाउन कर्फ्यू चल रहा है जिसके चलते स्कूल बंद है, लेकिन आप लोगों के ऊपर ज़्यादा भार इसलिए है क्योंकि स्कूल वाले दबाव बना रहे हैं कि बच्चों की स्कूल फीस जो है आप जमा कीजिए, नहीं तो आपके बच्चे का नाम काट दिया जाएगा। लेकिन इसी मामले को लेकर एक बड़ा फैसला देश की राजधानी दिल्ली की सरकार ने लिया है। जी हाँ, केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जो आपके लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण है, और शायद ये जानकारी हासिल करने के बाद आप राहत की भी सांस लेंगे। और ये जानकारी ये है कि अब दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में 15% फीस में कटौती कर दी गई है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 15% फीस में कटौती की गई है और ये आदेश जारी कर दिया है केजरीवाल सरकार ने। यस बेटा, ओ राइट राइट राइट, चलो पढ़ो। तो जैसा कि मैंने कहा ना कि बच्चों को पढ़ाना, मतलब मैंने सोचा ऐसे पढ़ाते पढ़ाते एक जानकारी आप लोगों तक पहुँचा दूँ, लेकिन डिस्टर्ब तो करते हैं बच्चे, लेकिन ठीक है, बच्चों को सवाल भी पूछना चाहिए। चलिए अब मैं कंटिन्यू करती हूँ उसी जानकारी के साथ। तो प्राइवेट हॉस्पिटल, माफ़ कीजिएगा, हॉस्पिटल कह रही हूँ, प्राइवेट स्कूलों में 15% फीस जो है उसमें कटौती की जा रही है और अब आपको राहत मिलेगी। साथ ही केजरीवाल सरकार ने यह भी कहा है कि अगर कोई भी स्कूल मनमानी करता है और अगर आप फीस पहले ही दे चुके हैं, क्योंकि काफ़ी दबाव स्कूल का भी देखने को मिला था, 2020 में भी यही हाल, 2021 में भी यही हाल, और जब दबाव बनता है स्कूल की तरफ से तब जो पेरेंट्स हैं वो दबाव में आकर फीस भर देते हैं। तो जिन्होंने पहले से ही फीस पूरी भर दी है, तो ऐसे में सरकार ने ये कहा है कि इन्हें आगे आने वाले समय में स्कूल जो है एडजस्ट करें, या फिर जो फीस दे चुके हैं पेरेंट्स उसे आप वापस करें। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप स्कूल फीस पहले ही दे चुके हैं। जो भी दिल्ली में व्यूवर्स अभी मुझे देख पा रहे हैं और जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल दिल्ली के स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, अगर आप फीस भर चुके हैं तो आप स्कूल में जाकर आदेश बता सकते हैं कि देखिए केजरीवाल सरकार का ये आदेश आया है, आप हमें फीस वापस कीजिए, और या फिर आप इसे आगे आने वाले समय में एडजस्ट कीजिएगा। दरअसल ये पूरा मामला किस तरीके से तब काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आया था, जब काफ़ी स्कूल के जो संचालक हैं वो हाई कोर्ट पहुँचे थे और हाई कोर्ट में से भी ये कहा गया था कि वार्षिक और विकास शुल्क जो है वो ले सकता है स्कूल, लेकिन 15% फीस में कटौती स्कूल को करनी होगी, क्योंकि पहले से ही जो आम जनता है वो परेशान है, ख़ासतौर पर पेरेंट्स, क्योंकि उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तमाम जो चीज़ें होती है, लैपटॉप व्यवस्था करना, मोबाइल की व्यवस्था करना, लाइट खर्च करना, इन तमाम चीज़ों की बात जो है अभिभावक पहले भी कह चुके हैं कि हम यहाँ पर खर्च कर रहे हैं उल्टा ऑनलाइन क्लासेस में, तो आखिर हम क्यों फीस दें, क्योंकि बच्चे तो स्कूल जा नहीं रहे। ये पूरा मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुँचा था, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा था कि विकास के नाम पर, वार्षिक शुल्क के नाम पर ज़रूर आप पैसा ले सकते हैं, लेकिन आपको फीस में 15% कटौती करनी होगी। यानी कि आप ये मानिए कि अगर आपके बच्चे की फीस 3,000 है तो उसमें से आपको सिर्फ 2,550 रुपये जो हैं वो देने होंगे, आपको बाकी का डिस्काउंट यहाँ पर मिला है। यानी कि कह सकते हैं कि पेरेंट्स का दर्द केजरीवाल सरकार ने समझा है, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो आप रिलेट कर सकते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, अगर आपका बच्चा दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, तो इस तरीके का आदेश दिखाकर आप भी 15% की कटौती फीस में कर सकते हैं, और अगर पहले से ही भर चुके हैं तो आप स्कूल में जाकर बताइए कि ये आदेश कहता है सरकार का, आप या तो हमें फीस वापस कीजिए या फिर आगे आने वाले समय में आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ ही कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया था कि ये भी ख्याल रहे कि स्कूल संचालक किसी भी बच्चे को प्रभावित ना होने दे। यस बेटा, राइट, ओके, कंटिन्यू, सो सॉरी।
तो इसलिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा है कि अगर किसी भी अभिभावक ने अपने बच्चे की फीस नहीं भरी है तो वो बच्चा प्रभावित नहीं होना चाहिए किसी भी एक्टिविटीज़ को लेकर। वो बच्चा ज़रूर उस एक्टिविटीज़ को करे अगर भले ही फीस नहीं भी आई हो। तो बहुत ही अच्छा ये कदम कोर्ट का भी कह सकते हैं और दिल्ली सरकार का भी कह सकते हैं। आपको ये निर्णय कैसा लगा आप ज़रूर मुझे मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर, और किस तरीके की जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और आपके घर में भी अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो और स्कूल नेचुरली अभी नहीं जा रहे होंगे तो उन्हें समय दीजिए, उन्हें पढ़ाइए ज़रूर, क्योंकि घर से ही सोसाइटी की शुरुआत होती है, पढ़ाई की शुरुआत होती है। तो हमें कोशिश करनी है अभी फ़िलहाल जब स्कूल बंद है तो बच्चों को घर पे ही पढ़ाएं और अच्छा सा माहौल दें। फिलहाल इजाज़त दीजिए मुझे, नमस्कार, से बाय अंशिका।